सो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2 प्रो डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रिंगटोन को चेंज कैसे करेंगे। अगर आप भी अपने फोन के अंदर रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे रिंगटोन ऐसे बाय डिफॉल्ट मिलते हैं लेकिन कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप सॉन्ग वगैरह भी लगा सकते हैं। चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं रिंगटोन को चेंज कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। वेल गाइज, यहाँ पर रिंगटोन को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी पहले से ओपन करा है। इसको डाउन करके इसमें नीचे आना, एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, एक बार आप इसको प्रेस करेंगे देन मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो कर जाएंगे। अभी आप देखेंगे हमारे पास मीडिया वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली रिंगटोन का वॉल्यूम नहीं है, ध्यान देना, ये आप जो सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं उसका वॉल्यूम है और यहाँ पर आप देखेंगे रिंगटोन का वॉल्यूम है। तो कुछ लोग क्या करते हैं जिनका साउंड जो है काफी कम यहाँ पर सुनाई देता है एक तरीके से कह सकते हो, तो ये मीडिया वाला अगर सॉन्ग चला के भी उसको बढ़ाना चाहे तो सॉन्ग का ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ऐसे केस में अगर ऐसा आपने कम कर दिया है, आवाज आपको कम दिखाई दे रही है सुनाई दे रही है, तो आप यहाँ से आके बढ़ा भी सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चेंज करने की, तो स्क्रॉल करके नीचे आना, सिम वन सिम टू दोनों मिल जाता है, दोनों पे अलग अलग रिंगटोन आप सेट आउट कर सकते हो। सिम वन पे हमारी रिंगटोन जो सेट है फोन का एज अ बाय डिफॉल्ट रिंगटोन सेट है, अभी देखना ये वाली रिंगटोन सेट है, मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा तभी अच्छे से हमें सुनाई देगा कौन सा रिंगटोन है। तो ये वाली रिंगटोन हमने सेट करके रखी है। अगर कस्टम रिंगटोन लगाना है कस्टम वाले पे क्लिक करना, यहाँ पर आपके पास जो भी सॉन्ग्स होंगे ओपन हो जाएंगे, यहाँ से जो भी सॉन्ग आप चूज करना चाहें उसे इजीली चूज कर सकते हो और अपनी जो रिंगटोन है उसे आसानी से चेंज आउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही आसान है गाइस चेंज करना, इवन आप मैसेज के भी रिंगटोन को चेंज कर सकते हो, जो मैसेज का पॉपअप नोटिफिकेशन आता है उसको भी आप चेंज आउट कर सकते हो, उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे रिंगटोन को चेंज कैसे करते हैं वीवो के T2 प्रो डिवाइस के अंदर।